नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक में। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों की कमेंट्स आ रही थी और बहुत सारे किसान भाइयों के मेल्स भी आ रहे थे कि सर जॉन डियर 5210 गियर प्रो का रिव्यू कीजिए, फुल डिटेल्ड रिव्यू कीजिए। तो आज आपके लिए इस ट्रैक्टर का डिटेल से रिव्यू लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में इसके प्राइस के साथ साथ इसकी खूबियों के बारे में भी जानेंगे और साथ में जानेंगे कि इस ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ और फीचर एडवांस फीचर कंपनी दे सकती थी, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले बात अगर कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की, तो जॉन डियर की आपको बैजिंग मिल जाती है और आगे की तरफ आप देखते हैं तो 5210 की बैजिंग मिल जाती है और जस्ट इसके पीछे की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो गियर प्रो की आपको बैजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों, अगर इसकी बात कर लेते हैं फ्रंट से आपको अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल स्टाइल के साथ में यहाँ पर इसके अंदर जो है हैंडल बार लगाया गया है इसके बोनेट को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर इसका जो बोनेट है दोस्तों, खास बात क्या है, वो कीलॉक के साथ में दिया जाता है और हुड बोनेट सिंगल पीस कम्प्लीटली बोनेट इसके अंदर ये दिया जाता है। साथ में फ्रंट में आपको जॉन डियर का लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर इसकी हेडलाइट की बात करेंगे तो वही चौकोर स्टाइल के साथ में आने वाली हैलोजन टाइप की हेडलाइट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जिनके अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया है। और इसका जो बोनेट है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक के साथ में डिज़ाइन किया गया है और एरोडाइनमिक इसका जो डिज़ाइन है वो दोस्तों बनाया गया है यहाँ पर। और दोस्तों, अगर इसके बाद यहाँ पर कर लें फ्रंट से, तो जाली भी आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है जो कि ठंडी हवा को रेडिएटर तक भी पहुंचाने का ये काम करती है। साथ में जो ट्रैक्टर का लुक है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये बनाती है। साथ में फ्रंट में ही नंबर प्लेट लगाने के लिए भी आपको जगह देखने को मिल जाती है। कर लेते हैं इसके बोनेट को ओपन, तो आप देखते हैं काफ़ी इजीली और सॉफ्टेबल इसका बोनेट ओपन हो जाता है। जैसा कि डबल गैस स्टड इसके बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं, तो आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल हल्का सा पुश करना है और बोनेट इसका काफ़ी ईजिली ओपन हो जाता है। बात दोस्तों मेनली अब आ जाती है इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 50 HP का 3 सिलेंडर का 2900 CC का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि अपनी मैक्सिमम पावर 2100 RPM पर ये जनरेट कर लेता है, जो कि टर्बोचार्ज इंजन है दोस्तों, जो कि यहाँ पर दोस्तों 38% बैकअप टॉर्क के साथ में आता है।
और यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी दिखाने की कोशिश करूँगा तो टर्बो भी यहाँ पर इसकी जो है फिटिंग की गई है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी टर्बो यहाँ पर फिटिंग की गई है जो कि काफ़ी ईजीली जो है इंजन की पावर को ये बूस्ट करने का काम यहाँ पर करती है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको दोस्तों जैसे कि 53-10 वगैरह के अंदर इंटरकूलर वगैरह देखने को मिलता है, एयर भी इंटरकूलर के थ्रू अंदर जाती है टर्बो से होते हुए इंजन के अंदर, तो इसके अंदर कोई इंटरकूलर दोस्तों यहाँ पर नहीं लगाया गया है। केवल इसके अंदर मैं आपको अगर दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग देख सकते हैं डुअल इसके अंदर डीजल फिल्टर भी लगाए गए हैं, और आगे की तरफ आप देखेंगे तो कोई भी इसके अंदर इंटरकूलर वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। डायरेक्टली जो एयर का पाइप है वो आगे की तरफ आपको होज पाइप से कनेक्ट होता हुआ, एयर क्लीनर से डायरेक्ट कनेक्ट होता हुआ दिख जाएगा, और इसके अंदर एयर क्लीनर जो है वो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का ही दिया गया है, और आगे केवल आपको इसका रेडिएटर देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों एल्युमिनियम का रेडिएटर है, लॉन्ग लाइफ माना जाता है, और साइड से प्रोटेक्शन के लिए भी इसके अंदर जाली लगाई गई है यहाँ पर, जिसके अंदर इसके अंदर क्या है कि बेल्ट वगैरह के अंदर कोई भी कंकड़ पत्थर ना जाए। और ये इसके अंदर आप देखते हैं तो कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर लगाया गया है जो कि दोस्तों ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में ये दिया गया है। बात यहाँ पर इसके अगर एयर क्लीनर की कर लें तो चोकिंग सेंसर के साथ में इसका एयर क्लीनर दिया जाता है दोस्तों, जो कि आपके फ़िल्टर को चोक होने पर आपके डैशबोर्ड के अंदर ये इंडिकेट करता है कि आपका फ़िल्टर जो है वो चोक हो चुका है या नहीं। अब बात इसकी दोस्तों फ्रंट में कर लें तो इसके अंदर आप देखते हैं इसकी जो बैटरी है दोस्तों वो भी फ्रंट में ही दी जाती है, जो कि दोस्तों 88 एम्पियर की 12 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर दी गई है, जो कि दोस्तों एक तरीके से ये सेफ़ भी आगे रहती है और एक तरीके से वेट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये काम करती है। जैसे कि बोनेट इसका किलो के साथ में है तो बिल्कुल सेफली आगे ये बैटरी जो है रखी रहती है। अब दोस्तों बात इसके मॉडल वगैरह की कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंशन किया गया है दोस्तों, जैसे कि जॉन डियर का 52 वेरियंट है ये, और इसके ऊपर इसका मॉडल मैंसन किया गया है 2021 मॉडल और दूसरे महीने की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, और ये इसकी पी टी ओ एच पी यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे कि 42.8 एचपी की पी टी ओ पावर यहाँ पर मेंशन की गई है। एसएफसी की भी बात कर लें तो 270 ग्राम पर किलोवाट और 198.6 ग्राम पर एचपी की इसके ऊपर यहाँ पर एसएफसी दोस्तों मेंशन की गई है, और नीचे की तरफ आपको इसका बार कोड वगैरह यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाता है। बात दोस्तों अब मेनली इसके आ जाती है फ्रंट एक्सल की, जो कि इसका मेन पॉइंट है, जैसे कि ग्लोबल एक्सल के साथ में है एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल इसके अंदर कम्प्लीटली आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसके अंदर फ्रंट एक्सल ये दिया गया है, जैसे कि इसे कंपनी ग्लोबल एक्सल करके मॉडल को सेल करती है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी और एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों खास बात यहाँ पर क्या दी गई है वो आपको दिखा दूँ, इसके अंदर जो स्टेयरिंग है कहीं ना कहीं वो भी डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री और लॉन्ग लाइफ भी ये माना जाता है। और दोस्तों इसकी कहीं ना कहीं अगर सिंगल एक्टिंग की तुलना में कटाई की भी बात करें तो ज़्यादा इसकी कटाई होती है सिंगल एक्टिंग की तुलना में, और दोनों तरफ आपको पावर स्टेयरिंग की इसके अंदर से रोड निकलती हुई दिख जाएगी, जैसे कि डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग कम्प्लीटली इसके अंदर दिया गया है। बात टायर साइज़ की कर लेते हैं तो 650/20 के फ्रंट टायर मिल जाते हैं, ऑप्शनल में यहाँ पर आप जो है 750/16 के भी फ्रंट टायर ले सकते हैं, रिम का कलर यहाँ पर येलो कलर ही दिया गया है। बाद इसके दोस्तों यहाँ पर पंप की कर लेते हैं तो डुअल पंप आपको मिल जाते हैं, एक पावर स्टेयरिंग के लिए और एक इसके अंदर हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बात दोस्तों इसकी सेल्फ मोटर की करें तो 2.5 किलोवाट की यहाँ पर आपको इसकी सेल्फ मोटर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज की यहाँ पर इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात अगर इसके अल्टरनेटर की करें तो 40 एम्पियर का अल्टरनेटर इसके अंदर दिया गया है, और साथ में आपको इसके अंदर वाटर सेपरेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि डीजल से पानी को अलग करने का दोस्तों ये काम करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, तो चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर पायदान देखने को मिल जाता है, प्लेटफॉर्म इसका वही ओल्ड लुक के साथ में ही दिया गया है, हीट गार्ड भी इसके अंदर लगाया गया है जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंच सके और ड्राइवर लंबे से लंबे समय तक ट्रैक्टर को काफ़ी इजीली ड्राइव कर सके। यहाँ पर इसके अंदर आप देखते हैं बीच में काफ़ी बड़ा बम्प आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी बड़ा बम्प बीच में दिया गया है। और दोस्तों बात यहाँ पर इसके क्लच की करें तो डुअल क्लच के साथ में है, डबल क्लच के साथ में ये मॉडल नहीं आता है, और इसके अंदर जो पैडल्स हैं वो सस्पेंडेड टाइप ही दिए गए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा आरामदायक रहते हैं सिंपल पैडल्स की तुलना में। बात इसके अगर गेयरबॉक्स की कर लेते हैं तो कॉलर शिफ्ट साइड शिफ्ट इसके अंदर गेयरबॉक्स दिया गया है, सिंक्रोमाइज गेयरबॉक्स भी आप इसके अंदर दोस्तों ले सकते हैं। गियर स्पीड की बात करेंगे तो आपको 1-2-3 प्लस रिवर्स प्लस पार्किंग
टोटल इसके अंदर आपको 12 फॉरवर्ड जाने के लिए और 4 रिवर्स जाने के लिए गियर देखने को मिल जाते हैं, प्लस पार्किंग का गियर भी इसके अंदर दिया गया है। बात इसके यहाँ पर सीट की कर लेते हैं तो एडजस्टेबल सीट है, काफ़ी इजीली आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और सीट की अगर डिलक्स की बात करें तो डिलक्स सीट इसके अंदर दी गई है और इसके ऊपर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर हैंडल बार भी इसके ऊपर लगाया गया है। इंडिकेटर वही ओल्ड लुक के साथ में हैलोजन टाइप के ही दिए गए हैं, जिनके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। बात यहाँ पर दोस्तों इसके डैशबोर्ड की करेंगे तो डैशबोर्ड भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर एनालॉग आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, साथ में डिजिटल आवर मीटर मिलेगा और फ्यूल का मीटर और टेम्परेचर का मीटर वो भी आपको एनालॉग देखने को मिल जाएंगे। साथ में कुछ ब्लिंकेशन इसके अंदर लाइट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती हैं, डिजिटल आवर मीटर मिलता है और जॉन डियर की जो बैजिंग है वो भी डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर दी गई है। और इसी के जस्ट राइट साइड में इसकी हैंड रेस्ट दी गई है, जिसे कि काफ़ी इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। पोजिशन काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसकी दी गई है। बात अगर इसके मिरर की करें तो काफ़ी बड़े साइज का यहाँ पर मिरर लगाया गया है, जो कि पीछे से आ रहे व्हीकल को इंडिकेट करने का दोस्तों ये काम करता है। बात दोस्तों आप कर लेते हैं इसके यहाँ पर तो 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, डायरेक्टली चार्जर लगाकर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। नीचे केस भी दिया गया है जहाँ पर आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं। और सॉकेट जो इसका की लगाने के लिए सॉकेट है वो भी डिफरेंट स्टाइल के साथ में दिया गया है। ब्रेक्स की बात करें तो ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि जॉन डियर के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे पहले से ही पॉपुलर रहे हैं। और इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो इसके ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हैं, आपको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटो एडजस्ट हैं। और सेल्फ इक्वलाइजिंग है, जो कि यानी कि इसका जो अंतर है ब्रेक्स में अगर अंतर आ जाता है तो वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। बोतल होल्डर भी इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और साथ में आपको डिफरेंशियल लॉक भी इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है, जो कि पिछले के आपके दोनों टायर एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप इस लीवर को पुश करते हैं। बात यहाँ पर इसके हाइड्रोलिक्स की कर लेते हैं तो डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाते हैं, जहाँ पर कि एक इसके अंदर डीसी लीवर और एक इसके अंदर पीसी लीवर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसकी जो पीटीओ है वहाँ पर यहाँ पर आपको सिंगल लीवर मिल जाता है, जैसे कि डबल क्लच के साथ में ये दोस्तों नहीं आता है तो केवल पीटीओ का लीवर मिलेगा, इंडिपेंडेंट क्लच लीवर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और ये जो इसका इसकी पीटीओ की बात करें तो डुअल पीटीओ के साथ में है, जहाँ पर कि आपको 540 प्लस 540 इकोनॉमी पीटीओ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात दोस्तों इसके बैक टायर्स की कर लेते हैं तो जेके के टायर दिए गए हैं, जो कि 16x28 के बैक टायर यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। ऑप्शनल में यहाँ पर आप 14x28 के भी बैक टायर इसके अंदर ले सकते हैं। और दोस्तों रिम का जो यहाँ पर कलर दिया गया है वो येलो कलर ही दिया गया है, जैसे कि जॉन डियर की टैगलाइन भी रही है। बात यहाँ पर कर लें इसके बैक एक्सल की तो पीछे आप देखते हैं, सबसे पहले आपको इंडिकेटर दिखा देते हैं, इसके अंदर काफ़ी बड़े साइज के और हैलोजन टाइप के ही दिए गए हैं। बात दोस्तों यहाँ पर अगर इसके बैक एक्सल की कर लें, रियर एक्सल की कर लें, तो इसके अंदर प्लेनेटरी प्लस के साथ में और काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसके अंदर बैक एक्सल दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ग्लोबल एक्सल मॉडल है तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी फ्रंट और बैक एक्सल दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। पीछे आप देखते हैं तो इसके अंदर सेंसिंग की बात करें तो 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं, जहां पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी पीछे की तरफ दिया गया है, जिससे कि आप ट्रॉली वगैरह में काफ़ी इजीली जो है लाइट फिटिंग वगैरह कर सकते हैं। बात इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की कर ले दोस्तों तो 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। साइड में जैक सिस्टम की जगह चैन सिस्टम ही इसके अंदर दिया गया है। बात पीटीओ की कर लें, जैसे कि आपको बता ही दिया डुअल पीटीओ के साथ में आता है। पीटीओ एचपी की बात करें तो 42.8 एचपी की पीटीओ पावर मिल जाती है और एडजस्टेबल यहाँ पर आपको ही चीज़ का देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर सिंगल पीछे आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी देखने को मिल जाता है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर नहीं दिया गया है। डीजल टैंक की बात करें तो फाइबर का डीजल टैंक है और 68 लीटर का डीजल टैंक यहाँ पर किलो के साथ में इसका दिया गया है। डीजल टैंक के पीछे की तरफ ही आपको इसके अंदर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और बैकलाइट यहाँ पर चौकोर स्टाइल के साथ में काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की दी गई है, जिससे कि आप यहीं से काफ़ी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रोशनी देती है, बट यहाँ पर जो बैकलाइट है वो हैलोजन टाइप की ही दी गई है। और इसका जो टूल बॉक्स है दोस्तों वो इसके मडगार्ड के ऊपर ही लगाया गया है, लोहे का टूल बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, फाइबर का टूल बॉक्स यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिसके अंदर छोटा मोटा सामान आप अपना काफ़ी इजीली कैरी कर सकते हैं। पीछे से ओवरऑल लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको पीछे से इसका लुक देखने को मिल जाता है। बात दोस्तों इसके अगर एडिशनल फीचर की करें तो आप इसके अंदर EQRL सिस्टम ले सकते हैं, एडजस्टेबल स्टेयरिंग ले सकते हैं, टिल्टेबल स्टेयरिंग ले सकते हैं, कैनोपी फिटेड ले सकते हैं, कंपनी फिटेड आपको मिल जाएगी और ग्लोबल एक्सल के साथ में, जैसे कि ये वेरियंट तो है ही, आप देख सकते हैं डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी इसके अंदर दिया गया है। बात इसके डायमेंशन एंड वेट की कर ले तो 2110 किलोग्राम इसका टोटल वेट है। इसके व्हील बेस की बात करें तो 2050 mm इसका व्हील बेस है। इसकी लेंथ की बात करें तो 3535 mm इसकी जो है लेंथ है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी विड्थ की बात करें तो 1850 mm इसकी चौड़ाई है। टर्निंग रेडियस की बात करें ब्रेक्स के साथ तो 3150 mm की टर्निंग रेडियस लेता है ये ब्रेक्स के साथ घुमाने में। बात अगर आप कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की तो 7,60,000 से लेकर 8,10,000 के बीच में इसकी ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टेट वाइज आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों ये था डिटेल्ड रिव्यू जॉन डियर 5210 गियर प्रो का। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी किसी शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।